हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर वी आर वर्किंग फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, देन वी आर हेल्पिंग देम फॉर रिमेम्बरिंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर थिंकिंग, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मच मोर। तो देखा आपने कितनी सारी चीज़ें जो कि हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर हो और बहुत ही इंटेलिजेंट मेरा बच्चा बने, उसके लिए हमें ज़रूरी है बच्चे को काम कराना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक डायरेक्टली रिलेटेड वर्ड है ब्रेन डेवलपमेंट से। जैसे जैसे हम ग्रोथ होती है हमारी, हम बढ़ते हैं, हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है, और सिर्फ बचपन से नहीं बड़े होने तक इसके डेवलपमेंट का प्रोसीजर चलता रहता है। हम हेल्प कर सकते हैं बच्चों की डेवलपमेंट में, उनको अच्छे से हेल्दी खाना खिलाने में ताकि बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जाए, ग्रोथ हो। इसी तरह से हम बच्चे के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं, और वो कैसे होगा मैं आज आपको इन वर्कशीट्स की हेल्प से दिखाऊंगी। तो कुछ ऐसी वर्कशीट्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे बच्चे को करानी चाहिए, चाहे हम एक वर्कशीट कराएं। कुछ ऐसी वर्कशीट्स मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और मैं करती भी रहूँगी, पहले भी मैंने की है। तो ये है कॉग्निटिव एक्टिविटी शीट्स। सो दीज आर कॉग्निटिव एक्टिविटी शीट्स। इसमें हमें एज पर द गिवन क्वेश्चन बच्चे को पहले समझाना है, बेटा यू हैव टू कम्प्लीट द फेस। छोटे बच्चे हैं, 2, 3, 4, 5 साल के, उनको उनके लेवल पे समझाइए, बेटा आपको फेस कंप्लीट करना है, आपको फेस में वो चीज़ ड्रॉ करनी है जो मिसिंग है, जो नहीं बनी हुई है, या आपको क्या इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी तरह से आप बच्चे को ये समझाइए कि कंपेयर करना है बच्चे को, और बच्चे के पास बहुत अच्छी इमेजिनेटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स ऑलरेडी होती हैं, आपको बस हिंट देना है तो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा। आईज नहीं है इसमें, नोज नहीं है, ईयर्स नहीं है, लिप्स नहीं है। तो इस तरह से आप बच्चे से पूछ सकते हैं अगर बच्चा छोटा है, 2.5-3 साल तक है, 3 साल तक के बच्चे से आप ड्रॉ भी करा सकते हैं। किसी भी तरह से बच्चा करे, आईज नीचे ऊपर ड्रॉ करे, बस एक बार बच्चे को इसको बैठ के सोचना है और समझना है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, थिंकिंग एंड रीजनिंग, लॉजिकल स्किल्स में। तो इसी तरह की हम कुछ और वर्कशीट्स भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वर्कशीट इज पुट अ क्रॉस ऑन द मिसिंग ऑब्जेक्ट इन पिक्चर बी एंड कलर पिक्चर ए। कलर पिक्चर ए इसलिए कहा गया है ताकि अच्छे से बच्चा एक बार आइडेंटिफाई कर ले सारे ऑब्जेक्ट्स जो पिक्चर ए में हैं, उसके बाद बच्चा देखेगा पिक्चर बी में, और फिर आप बच्चे से पूछिए कि इसमें बेटा कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है विच इज़ नॉट इन पिक्चर बी, जो आपने ऊपर कलर किया है लेकिन नीचे वो नहीं है। लेट द चाइल्ड थिंक। और आप कुछ कुछ हिंट्स भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि बच्चा आज नहीं समझा पा रहा है, नहीं आंसर दे पा रहा है, बट बिलीव मी विद इन अ वीक यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन द थिंकिंग एंड लॉजिकल स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। फिर बच्चा धीरे धीरे घर में कई चीज़ों को कंपेयर करने लगेगा, मम्मा देखो ये वाला टमाटो बिग है, ये वाला टमाटो स्मॉल है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चे को आप वो चीज़ डेवलप करा रहे हैं अब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। यहाँ पर है क्रॉस द ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज क्रॉस द ऑड वन आउट। आप बच्चे को समझाएंगे फ्रूट्स है यहाँ पर, ये भी फ्रूट है, बट यहाँ पर वी हैव वेजिटेबल। एक दो बार बताइए, उसके बाद बच्चा खुद ही बता पाएगा। देन वी हैव शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, बट एप्पल इज नॉट द शेप। इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए। फ्लावर, अगेन वी हैव फ्लावर, बट हेयर वी हैव सन। और कुछ वर्कशीट्स बिल्कुल बेसिक दीजिए, बिल्कुल देखते ही पता लगने वाली, ताकि बच्चा पहले स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर सके। वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत सिंपल है, देखते ही बच्चा बता पाएगा। क्रॉस द ऑड वन आउट, स्पून, स्पून एंड स्टार, डिफरेंट कौन सा है, स्टार है। हेयर वी हैव स्माइलीज एंड वी हैव काइट, तो ये अलग है।
यहाँ पे हमारे पास दो ट्री हैं और एक फ्लावर है, तो यहाँ पर कौन सा अलग है? फ्लावर। इसमें बच्चा सेम एंड डिफरेंट भी सीखता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ऐसी नई चीज़ मिली है जो आप बच्चे को करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं आगे भी अपलोड करती रहूँगी, मैंने पहले भी की है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको सारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और प्रेस द बेल आइकन, उसी से आपको सारे लेटेस्ट अपडेशंस मिलेंगी। टेक केयर, बाय बाय।